हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सरहद पर देश की हिफाजत करते करते ना जाने कितने शहीदों ने मौत को गले लगाकर हमें सुकून की नींद मयस्सर की है। आज बात एक ऐसे जाबाज की करेंगे जिसने दुश्मनों को घुटने के बल टिकाकर भारत माता की शान को बचाने में अपने प्रेम का प्रमाण अपने बलिदान से दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। चारों तरफ चीनी सेना के जवान घूम रहे थे, उनकी चीनी भाषा तो समझ से परे थी मगर गंदे इरादे साफ झलक रहे थे। उनके बूटों की आवाज से पता चल रहा था कि वो पूरी एक बटालियन है, लेकिन इतनी बड़ी फौज से अकेले दम से कैसे भिड़ा जा सकता था। लेकिन भारतीय जवान के जहन में कभी ये सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि उनका हौसला हिमालय के जैसे सख्त है और भारत माता की रक्षा करने के इरादे आसमान से ज्यादा बड़े हैं। पहले गलवान और अब तवांग, चीन लगातार भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। एक दिन पहले शाम के वक्त जानकारी मिली कि दोनों देशों के जवान आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों तरफ के जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। लद्दाख और तवांग बिल्कुल अलग हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में आता है। चीन बहुत पहले से इसे अपना हिस्सा बताता आ रहा है। ड्रैगन की नजरें पहले पूर्वी लद्दाख के इलाके पर थी, वहां से जब इंडियन आर्मी के हाथों चोट खाई तो बेशर्म पीएलए यहां पर हरकतें करता रहा। 1962 की बात है, भारत चीन युद्ध के समय अकेले एक योद्धा ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे। नाम था जसवंत सिंह रावत। 1.25 लाख के एक लड़ाऊ, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊ। गुरु गोविंद सिंह पर कही गई ये बात भारत सिंह के बहादुर जवान जसवंत सिंह ने मानो दिल में गांठ बांध कर रखी हो। इन पर इसी साल एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड। इस साहसी योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर ना केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। चीनी सैनिकों को लग रहा था कि यहां पर कई भारतीय जवान मुश्तैद हैं, मगर वहां पर केवल अकेले जसवंत सिंह ही थे। 19 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह सेना में बतौर राइफलमैन शामिल हुए थे। 24 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और ठीक इसके बाद एक साल के बाद यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया था। सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई। इसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना आधुनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। हालात नाजुक देख भारत सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लॉल्स नायक, त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। दरअसल चीनी सेना मशीन गन से हमला कर रही थी। भारतीय जवानों के पास कायदे की राइफलें तक नहीं थी। अब ऐसे में जवान कहां तक लड़े, मगर ये तीनों चीनी सेना से मशीन गन छुड़ाना चाहते थे। तीनों ने मिलकर एक योजना तैयार की और फिर भीषण गोलीबारी से बचते हुए चीनी बंकर तक पहुंच गए। वहां से इन्होंने ग्रेनेड फेंककर बंकरों को तबाह कर दिया और मशीन गन छीन ली। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल शहीद हो गए। जसवंत सिंह भूखे प्यासे 72 घंटे तक अकेले दम चीनी सेना के सामने डटे रहे। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई। चीनी सेना को लगा कि वहां पर भारतीय जवानों की अच्छी खासी संख्या है और वो कभी अरुणाचल पर कब्जा नहीं जमा पाए। चीनी सेना ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया था और बाद में उनका गला काट कर ले गए थे। मगर जब उनकी बहादुरी के किस्से सुने तो सम्मान उन्होंने वो सिर लौटाया और उनकी भव्य मूर्ति भी बनवाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 Digital।